हेलो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में ये आज आपका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ ओवरव्यूज हमने देखे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के किस किस तरीके के हमारे पास एग्जांपल प्रेजेंट है, कौन कौन सी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसमें डे टू डे जिसे हमने यूज़ कर रखा है, और कुछ इनके बेसिक फंक्शनैलिटीज़ और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम ये सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। ये एक इंटरफेस की तरह वर्क कर रहा होता है किसके और किसके बीच में, एक आपके यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये उसका थोड़ा सा रिव्यू है। तो अभी हमें आगे देखना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जिसके बिना हमारा जो सिस्टम है वो कभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, हम उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। जो ये यूज़र होता है हमारा, या जो हम एंड यूज़र होते हैं, हमें कम्युनिकेट करने के लिए इन हार्डवेयर डिवाइसेस से, जो कि आपकी प्रिंटर वगैरह होते हैं, इनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी हमने पिछली बार पढ़ा था, मैं बताता चलता हूँ कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, और इवन मैं इसी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपका जो पहली यूनिट होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो पहली यूनिट आपकी होने वाली है वो आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर एक पहलू को कवर करती है। जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका कुछ ओवरव्यू, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये सब आपको पहली यूनिट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यही चीज़ें आपको पहली यूनिट में देखने को मिल रही होंगी, यही धीरे धीरे आपके बाकी तीन यूनिट में आपकी ये और डिटेल में बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी आप पहली यूनिट पढ़ रहे हो, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िए, ताकि अगर आपका जो थर्ड तीन यूनिट आपकी और जो बच जाती हैं उसमें अगर इनकेस कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको रिलेट करके पढ़ सकें। ठीक है, और कभी कभी होता है जैसे कि आपकी कोई भी चीज़ पूछी जाती है, लॉन्ग आंसर आपका पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में और अदर्स यूनिट्स में भी, तो आपका क्या होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन वहाँ लिखनी पड़ती है, फिर आप आगे कंटिन्यू करते हो। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछ लिया गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके कुछ बेसिक आपके फीचर्स आपको या फंक्शंस बताने पड़ते हैं। उसके बाद आप जाके टाइप्स पे आओगे, फिर उसके बारे में आप डिस्कस करोगे। ठीक है, तो एक जो पहला बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन रहा होता है पहली यूनिट से, वो यही होता है कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर इज फंक्शंस। ठीक है, या व्हाट फंक्शंस को कंपोनेंट्स भी कहते हैं, तो इस वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे फंक्शंस पूछे जाएं चाहे कंपोनेंट्स पूछे जाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम के वो एक ही चीज़ है, तो आपको आंसर एक ही लिखना है जो अभी मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग पहले पढ़ आ चुके हैं वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने ये देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में होता क्या है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस या कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करिए, तो आप सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं, फिर उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखेंगे, और कोशिश क्या करिएगा जो आपको मैंने एक डायग्राम, कंसेप्चुअल डायग्राम आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, वो ज़रूर बनाइएगा, इससे आपके जो नंबर हैं वो काफ़ी और बेहतर मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका मेन, आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस और कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में जब हम लोग वाइंड अप कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ ओवरव्यू प्रोवाइड किया था फंक्शन और कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें से आपका फाइल मैनेजमेंट था, प्रोसेसर मैनेजमेंट था और सिक्योरिटी मैनेजमेंट था, और भी दो चार थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो डिटेल में देखने से पहले मैं ये चीज़ एक बार ज़रूर आपको बता देना चाहूँगी कि फंक्शन और कंपोनेंट्स जो है ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस वजह से इसको ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की, और अगर इन केस ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए, फंक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन और कंपोनेंट्स।
दोनों तरीके से पूछ सकता है एग्ज़ाम में, फंक्शन या फिर कंपोनेंट करके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी चीज़ पूछी जाए आपको आंसर ये लिखना है, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स देख पा रहे होंगे अपने सामने, जिसमें से मैं एक एक करके उनका नाम लेता हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का काम मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो मेमोरी मैनेजमेंट होता है आपका जो रैम आपके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, उसको मैनेज करने का काम भी OS का होता है। रैम क्योंकि लिमिटेड होती है हमारे पास अमाउंट में, तो उसको वो किसको एलोकेट हो रही है, किससे किसको डीएलोकेट हो रही है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन OS को रखनी पड़ती है। उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी की भी इसको एलोकेशन और डीएलोकेशन की सारी जानकारी रखनी पड़ती है, ताकि हम चीज़ों को एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव कर पाएँ ज़रूरत पड़ने पर। फिर आते हैं हम आगे प्रोसेसर मैनेजमेंट। जिस तरीके से आपकी रैम का मैनेजमेंट होता है, उसी तरीके से प्रोसेसर का भी मैनेजमेंट होता है। इसकी वजह ये है कि जो प्रोसेसर हमारा होता है, ये भी हमारे पास एक लौता होता है, ठीक है, और हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अब हम अगर सारे के सारे एक साथ दे देंगे तो हमारा जो प्रोसेसर है वो ओवरहीट होगा और सारी टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कई तरीके से हम एल्गोरिथम या फिर शेड्यूलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोसेसर को एक टाइम में एक पर्टिकुलर टास्क असाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट पर्टिकुलर टास्क असाइन करेंगे। ऐसे हम फ्रीक्वेंटली स्विचिंग कर करके हम बहुत सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म करवा पाते हैं, और हमें ये इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को या फिर हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम डिवाइस मैनेजमेंट पे। डिवाइस मैनेजमेंट से मेरा मतलब है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मॉनिटर आता है, और आपका प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है, स्पीकर आता है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सबको भी मैनेज करने का जो काम होता है वो OS ही करता है, और इसका OS का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फंक्शन कह लें या कंपोनेंट कह लें, जिसे हम कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट, जो इन सब चीज़ों को देखता है। फिर उसी तरीके से जब हम आगे आते हैं फाइल मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए, तो फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको पहले वाली क्लास में बता रखा था कि फाइल मैनेजमेंट का काम यही होता है, जितनी भी टाइप की आपके पास, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो एक वीडियो हो, चाहे वो MP3 हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, इन सबको एफिशिएंटली आपको स्टोर करना पड़ता है, ताकि आपको ये जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको एफिशिएंटली ढूंढ पाओ। पता चला आपने, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद एग्जांपल दिया था कि लाइब्रेरी में अगर हम बुक्स को यूं ही फेंक दें और उसको सही से एक अपने सब्जेक्ट वाइज हम उसको ना कैटेगराइज करके रखें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी काम की बुक्स को ढूंढ पाएँ। जब वो सब्जेक्ट वाइज अपनी अलमिराज में रखी होती हैं, तो हम उसे काफ़ी एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे। अच्छा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि आपके जो भी चीज़ें कंटेंट प्रेजेंट होता है आपके सिस्टम पे, वो काफ़ी सेंसिटिव डेटा होती है, तो आपको इंटरनेट के थ्रू हैकर्स आपकी वो डेटा को चोरी भी कर सकते हैं, या कोई फर्दर इंसान जो आपके सिस्टम पे आके बैठ गया और उसने पेनड्राइव लगा के या किसी भी तरीके से चीज़ें कॉपी कर ली। तो इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन हो जाता है, किसी भी फोल्डर को लॉक करना हो जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आते हैं, और हाँ एक चीज़ और है, जैसे ये हैकिंग वगैरह का होता है, ऑनलाइन आपका इंटरनेट के थ्रू हैकिंग वगैरह का होता है, इन सबको भी प्रिवेंट करने के लिए OS में एक स्पेसिफिक फीचर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है जो भी आपका प्रोसेसर है या जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं CPU के अंदर, ठीक है, वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। बट टास्क परफॉर्म करते करते कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर्स होती हैं, या फिर एरर नहीं भी हो रही होती तो उसको ओवरलुक करने के लिए या उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी हमारे पास एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारे परफॉर्मेंस को, अगर मान लीजिए हमें कोई डिज़ायर आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो हमें चेक करना पड़ता है इसमें कहाँ कौन सी गड़बड़ हो रही है, कौन से मॉड्यूल में कौन परफॉर्मेंस आपका अप टू द मार्क नहीं है। तो ये काम कौन करता है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद आते हैं हम जॉब अकाउंटिंग पे। अच्छा, जॉब अकाउंटिंग की बात क्या होती है, अच्छा जॉब अकाउंटिंग का मतलब होता है जो भी आपके टास्क होते हैं वो कैसे कैसे अलॉट होने वाले हैं, किस किस रिसोर्सेज को वो यूज़ करने वाला है, फिर उसी हिसाब से वो रिसोर्सेज हम लोग उस पर्टिकुलर जॉब को असाइन करते हैं। फिर आता है आगे एरर डिटेक्टिंग एड।
अच्छा, आपने कभी देखा होगा आपका जब इंटरनेट नहीं चल रहा होता, स्पेसिफिकली इंटरनेट का है इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अक्सर दिक्कतें आती हैं कि इंटरनेट अगर आपके सिस्टम में नहीं चल रहा होता है तो वहाँ पे होता है कि विंडोज़ हैज़ डिटेक्टेड एन अनयूजुअल एरर या ऐसा कुछ करके डिटेक्ट आती है, फिर आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट करते हो तो वो विंडोज़ जो है ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, सर्च करता है कि कहाँ पे एरर आ रही है, फिर वो आपको ला के वहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन करके देगा कि और बताएगा कि आपके लैन केबल डिसकनेक्टेड है या ऐसा कुछ है, या ड्राइवर का इशू है, या आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड स्लो है, ऐसा कुछ वो बताएगा, ठीक है। तो इट दैट डिपेंड्स, तो ये भी एक फीचर है आपके ओएस का। फिर उसके बाद आगे है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि एक ही चीज़ आपके सिस्टम पे नहीं रन हो रही होती, मल्टीपल चीज़ें रन हो रही होती हैं, मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होता है कि इन सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कोई यूज़र एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, दूसरा कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, मान लीजिए एक ही यूज़र कई सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहा है, तो उसके बीच में जो फ्लो ऑफ डेटा होना है, अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए क्रॉस कनेक्शन हो गया, क्रॉस फ्लो हो गया डेटा का, ठीक है, तो क्या होगा, पता चला हमें प्रिंट देना है तो प्रिंट किसी और के पास चला जा रहा है, कुछ और प्रिंट हो जा रहा है, और हमें कोई चीज़ रीड करनी तो हम उसका प्रिंट हो गया, और जो चीज़ रीड करनी थी जिसका हमें प्रिंट चाहिए था उसका वो हम लोग रीड कर रहे बैठ के। तो ये सारी अगर ऐसे कोलैबोरेशन वाली इशूज़ आते हैं तो उस चीज़ को भी रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फीचर प्रोवाइड होता है ओएस में। तो ये जितने भी आपके ये फ़ीचर्स आप देख पा रहे हैं जो लमसम 8 या 9 हैं, ठीक है, ये सारे फीचर्स या फंक्शन या कंपोनेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं ओएस में। तो अभी हम क्या है, हम इसमें एक एक करके डिटेल्स में सारी चीज़ें देखने वाले हैं और देखने की कोशिश और जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें होता क्या है, ठीक है। और मैंने जैसे पहले भी बता रखा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। अगर ये शॉर्ट में आता है तो आपको सिर्फ हेडिंग देके एक दो लाइन में एक्सप्लेन करके ख़त्म कर देना है, और अगर लॉन्ग में आता है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन देना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद फिर आपको ये फंक्शंस के बारे में बताना है, फिर इसके हर एक टॉपिक को आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा मेमोरी मैनेजमेंट का। अच्छा देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ठीक। अब मेमोरी मैनेजमेंट का काम हमारा होता है, जो भी हमारे पास मेमोरीज वगैरह प्रेजेंट होती है, जो रैम प्रेजेंट होती है, उसको टास्क को असाइन करना, मतलब उसको टास्क कौन से प्रोग्राम को मिले, कौन सा प्रोग्राम आपके रैम में आने वाला है, और कौन सा वो आपको उसको खाली करके वापस से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। जो आपको पता भी है कि जो रैम होती है वो कौन एक्सेस कर रहा होता है, डायरेक्टली प्रोसेसर एक्सेस कर रहा होता है, जो भी चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो रैम में प्रेजेंट होने वाली होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं का ये ट्रैक रखता है ये डिपार्टमेंट मेमोरी मैनेजमेंट, कि आप में जो भी चीज़ें आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड सारा डेटा है वो रैम में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर सेकेंडरी स्टोरेज में वो प्रेजेंट होगा तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू रैम सेकेंडरी मेमोरीज आर वेरी स्लो, ठीक है। तो इसी वजह से रैम में चीज़ें प्रेजेंट होती ताकि उसको जल्दी से जल्दी एक्सेस करके जल्दी से जल्दी परफॉर्म किया जा सके टास्क को, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, ठीक। अब सबसे बड़ी चीज़ है कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी रखने का मतलब ये है कि अगर हमारी जो रैम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉस्टली होती है और उसमें कंटिन्यूसली हमें उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो अगर मान लीजिए हमने उसमें उसको अलॉट करते गए किसी भी प्रोग्राम को, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फुल हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, हमें हमेशा ये चीज़ का ट्रैक रखना पड़ता है कि जो भी प्रोग्राम अब एग्जीक्यूशन से बाहर आ चुका है, अब उसका हम क्या करें, उसको ट्रांसफ़र कर दें सेकेंडरी मेमोरी में, और जो करेंटली एग्जीक्यूट होना है या जो नियर फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाला है उसको हम रैम में ले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। आप चौथा पॉइंट अगर देखेंगे, इसमें लिखा है इन मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जब आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं किसी प्रोसेसर में कंटिन्यूसली स्विचिंग करते हुए, मान लीजिए आपके 10 प्रोग्राम हैं, तो 10 प्रोग्राम क्या होगा, आपके दो दो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, फिर वो नेक्स्ट सर्किल में फिर दो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसा क्या होता है, और ये स्विचिंग इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही होती है कि आपको पता ही नहीं लग पाता है कि कौन से टाइम में कौन सा हुआ, आपको यही लगता है कि आपके सारे जो प्रोग्राम हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो इस एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें ये देखना होता है कि कौन से प्रोसेस, मतलब कौन सा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है, और कब हमें कितनी देर के लिए उसको अलॉट करनी है, कितनी देर बाद उससे फ्री कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एलोकेट द मेमोरी, मतलब नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ पॉइंट है,
एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। जब भी आप कोई प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूशन के लिए डबल सेलेक्ट करते हो, एग्जीक्यूशन में लाते हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस या रिसोर्सेज को वो रिक्वेस्ट करता है ओएस से। फिर ओएस की जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट और ये आपके फाइल मैनेजमेंट और जितनी भी टाइप के मैनेजमेंट होते हैं या फंक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से इसको ये आपके जो क्या कहते हैं डिवाइसेस होती हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, इसको ये प्रोग्राम को अलॉट कर देता है। फिर उसके बाद जब ये इसका काम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये डी एलोकेशन का भी काम यही कर रहा होता है, जो आपका लास्ट पॉइंट है कि डी एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस इज़ नो लॉन्गर नीडेड इट और हैज़ बीन टर्मिनेटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेमोरी मैनेजमेंट। हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है बेटा प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने रैम के बारे में डिस्कस किया हुआ था, तो रैम के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, ये भी कुछ वैसा ही है कि हमारे पास जो आपका प्रोसेसर होता है वो भी एक ही होता है और हमें मल्टीपल टास्क को उसी के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो अभी ऐसा है कि अगर मान लीजिए हम 10 टास्क हैं और एक साथ हमने दे दिया, तो हमारा क्या है, जो प्रोसेसर है वो ओवरहीट होगा और हैंग भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें देखिए पहला जो टॉपिक, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो यहाँ पे जो भी बात हो रही होगी आपके इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है फ्रीक्वेंटली स्विचिंग करते हुए, तो इसमें होता क्या है, आपके जैसे मान लीजिए 10 प्रोसेस हैं, ठीक है, 10 टास्क कह लीजिए या प्रोसेस कह लीजिए, ठीक है, तो जितने भी आपकी ये प्रोसेसेस हैं, ये एक फ्रीक्वेंट स्विचिंग करते हुए प्रोसेसर को असाइन होते हैं। 2 सेकंड के लिए एक एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट सेकंड के लिए दूसरा होगा, फिर नेक्स्ट के ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो हम आगे फर्दर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये जानना है कि ये प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाता है। फिर हम देखिए लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर प्रोसेस। अब देखिए क्या है कि जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है ये एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लिखा है कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसर, मतलब कि वही है कि प्रोसेसर किसके असाइन है किसको असाइन नहीं, ये उसी का क्या कहते हैं ये ट्रैक रखता है, और कौन सा प्रोसेस अभी किस स्टेटस में, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है या कि आइडल में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यही करता है प्रोसेस मैनेजमेंट ही। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम आगे, ठीक है, कि द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, देखिए ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे आपकी एक रोड पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, क्या करती है, रेड पे रुक जाती हैं, ग्रीन पे चलती हैं और येलो पे कंटिन्यूसली स्लो करती रहती है धीरे धीरे, उसी तरीके से ट्रैफिक कंट्रोलर के भी काम होता है, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, आते हैं एलोकेशन के लिए किसके पास, प्रोसेसर के पास। तो ये टास्क ट्रैफिक कंट्रोलर का काम यही होता है कि वो देखता है कि हम एक एक करके इन सारे प्रोसेसेस को प्रोसेसर को असाइन करें ताकि ओवरलोड ना हो। तो ट्रैफिक लाइट्स का जैसे काम क्या होता है, वो एक्सीडेंट होने से या जाम लगने से बचाती हैं, उसी तरीके से प्रोसेस का जाम ना लग जाए प्रोसेसर के पास, तो वहाँ पे एक वर्क कर रहा होता है प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एलोकेट द प्रोसेसर CPU टू आई प्रोसेस। ठीक है, अभी वही चीज़ है कि जैसे हमने मेमोरी वाले में पढ़ा था कि प्रोसेसर को जो है प्रोसेस अलॉट होते हैं और उसे डी एलोकेट होते हैं, जब उसका टर्मिनेशन हो जाता है किसी भी प्रोसेस का, तो उसे हम डी एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं हम डिवाइस मैनेजमेंट पे। अच्छा, डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है काम, जैसे कि अभी मैंने, जैसे आप लोगों ने रैम में पढ़ा, प्रोसेसर में पढ़ा, उसी तरीके से डिवाइस मैनेजमेंट का भी काम होता है। ये भी क्या कर रहा होता है, आपकी डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, उसके लिए मैंने जैसे कहा था हर हार्डवेयर के लिए आपका एक ड्राइवर चाहिए होता है, तो क्या हर हार्डवेयर के लिए एक ड्राइवर प्रेजेंट है, ये सारे डिटेल कौन रखने वाला है, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, और ये हर एक का इनपुट आउटपुट देखता है, मतलब एक डिवाइस इनपुट डिवाइस है तो उससे कैसे इनपुट लेना है, आउटपुट डिवाइस है तो उसको कैसे इनपुट देना है या कैसे आउटपुट उसको देना है। ठीक है, और कैसे यूज़र्स से इसको इंटरेक्ट करवाना है, ये सारा कौन काम कर रहा होता है, डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब यही डिसाइड करता है, जैसे अब थर्ड पॉइंट देखे थे, डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। देखिए मैंने अभी पहले भी आपको बता रखा था कि बहुत सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए प्रिंट दो काम दो टास्क हैं या दो प्रोसेस हैं, उसने एक साथ रिक्वेस्ट कर लिया प्रिंटर को। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये हमारे पास मैनेजमेंट ना होगा डिवाइस का, तो क्या होने वाला है, ये क्या होगा, सिस्टम जो है आपका फ्रीज स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि मान लीजिए दोनों ने एक साथ रिक्वेस्ट कर लिया, अब क्या है, अब बेचारा जो प्रिंटर वो भी फंस गया बीच में कि हम किसके पास जाएँ।
ठीक है। तो इसी वजह से ही इस चीज़ को करना क्या हमें, इसको अवॉइड करने के लिए ऐसी सिचुएशन को हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट होता है, ताकि हम एफिशिएंटली अपने जितने भी ये डिवाइसेस होते हैं उसका एलोकेट और डी एलोकेट कर सकें, और कैसे उसको कितने टाइम के लिए देना इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है वहाँ पर। फिर है लास्ट में वही चीज़ आ जाती है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ठीक है। जब ज़रूरत होगी उस पर्टिकुलर रिसोर्स की तब उसको अलॉट होगी, और जब उसका काम ख़त्म हो जाने वाला तो उसको डी एलोकेट कर देगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं फाइल मैनेजमेंट में। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट भी हमारा वही काम कर रहा होता है, हम सारी चीज़ों को जितनी भी टाइप्स ऑफ फाइल होते हैं उनको एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे तरीके से एक लॉजिकल व्यू में, ताकि हम उसको जब ज़रूरत पड़े तो ईजिली उसको हम देख पाएँ, ढूंढ पाएँ, ठीक है। अब देखिए इसमें काम क्या होता है, आप सीधे आ जाइए आपका थर्ड पॉइंट पे, कीप ट्रैक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लोकेशन यूजर्स स्टेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रैक रखता है या फिर ऑफ इन्फॉर्मेशन कि किस लोकेशन पे पर्टिकुलर फाइल स्टोर है, ठीक है, उसका यूज़ क्या है, स्टेटस क्या है, ठीक है। फिर जाते हैं आपके चौथे पॉइंट में, डिसाइड द हु गेट्स द रिसोर्स। तो उसी तरीके से फाइल है, जैसे ये फाइल जो पड़ी हुई है ये भी एक तरीके से रिसोर्स ही है, जब प्रोसेसर को इसकी ज़रूरत या प्रोसेस को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी उसको एलोकेट होने वाली है, ठीक है। और कितनी देर के लिए होगी, ये सब भी काम कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट ही करता है। फिर लास्ट में वही दो पॉइंट आ जाते हैं, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ठीक है। जब आपकी फ़ाइल की ज़रूरत होगी तो वो एलोकेट होगी, जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा जो भी प्रोसेस ने उसको रिक्वेस्ट किया होगा तो ये वापस से डी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जिसको हम देख लेते हैं, जो इन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के अलावा भी सब एक्टिविटीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं काफ़ी। पहला है सिक्योरिटी, जैसा मैंने अभी बता रखा था, पासवर्ड वगैरह जो होता है आपका अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए आपके डेटा और प्रोग्राम को, ठीक है, सिक्योरिटी एक सिस्टम मिलता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, वही चीज़ें हैं कि आपके जो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और जो भी आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है हार्डवेयर डिवाइसेस का, वो काफ़ी अच्छा है क्या, वो सिस्टम परफॉर्म अच्छा कर रहा है, जो आप डिज़ायर आउटपुट चाहते हैं वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉपर इनपुट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर होता है जॉब अकाउंटिंग, फिर इसमें वही है कि जितनी भी आपकी रिसोर्सेस हैं वो कैसे यूटिलाइज़ हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को। फिर आता है आपका एरर डिटेक्टिंग एड्स। अच्छा, एरर डिटेक्टिंग एड्स का मतलब जो मैंने आपको बताया था, इन मान लीजिए आपके कहीं पे इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है तो एरर को क्या करता है, सर्च करता है, फिर उसको डिबग करके उसको ठीक करता है, और नहीं कर पाता तो फिर आपको बताता है, एक मोस्ट ऑफ द वेज बताता है उसको ठीक करने के। लास्ट में आपका आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं और यूज़र्स होते हैं उनके बीच में, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर वगैरह हो गए, इनके बीच में ये क्या कराता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है इस क्लास में, होप आपको ये चीज़ें समझ में आई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर से आप एक बार इसको पढ़िएगा, और इनकेस कुछ नहीं समझ में आता ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके जो भी डाउट्स हों उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर आउट कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए अभी इस क्लास में इतना ही है आपके लिए बच्चों, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके दोनों, जो पहली लेक्चर और दूसरे लेक्चर में आपकी मैंने बताया है आपको, ये कंबाइन करके लॉन्ग में पूछता है, मे बी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकती थी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो और जो डायग्राम मैंने आपको बताया है वो बताएंगे, आपने ये जो आपको मैंने फंक्शंस बताए हैं आप इनको क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर फॉर्म में भी आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे और अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपका एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो इसको कोशिश करिएगा एक पिक्चर के फॉर्म में सर्किल बना के उसके किनारे किनारे आप इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ ओएस, फिर इसका साइड में आपको फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट वगैरह, ऐसे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं सर्किल में, ठीक है। तो ये आपका है एक तरीका है अच्छा स्कोर करने का जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप हर एक अपने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही नहीं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्प होने वाली, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही है आप लोगों के लिए, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ ऐसा है डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।